हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक आइडियल स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो आइडियल स्किन केयर रूटीन होता क्या है, हर किसी को यूज करना चाहिए। मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर एज ग्रुप को यूज करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कोई भी पार्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी कि आप ये चीज लगाओ वो चीज लगाओ, बस मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कौन से स्टेप में क्या करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पीपीएम सोनी, मैं हूं पूजा। वीडियो स्टार्ट करते हैं आइडियल स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोग को फेस वॉश करना चाहिए। दिन में कम से कम हम लोग को 2 बार फेस वॉश करना जरूरी है, सुबह और रात को। देन हम लोग को फेस वॉश के बाद टोनर लगाना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो टोनर लगाना जरूरी है। नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप टोनर स्किप भी कर सकते हैं, या फिर टोनर की जगह आप रोज वाटर भी यूज कर सकते हैं। टोनर के बाद आता है सीरम। सीरम एक अच्छे खासे ब्रांड का यूज करना चाहिए। अगर आप सीरम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो एलोवेरा जेल, कुकुम्बर जेल, पपाया जेल, बहुत सारे जेल अवेलेबल है मार्केट में, आप वो यूज कर सकते हैं। देन आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए अच्छे ब्रांड का, जिससे आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए मिनिमम 30 SPF का। अगर आप घर में रहते हो फिर भी लगाओ, बाहर जाते हो तो फिर भी लगाओ। 3 से 4 घंटे में सनस्क्रीन रीअप्लाई करना चाहिए। अगर आप मेकअप करते हो, बार बार फेस वॉश करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप SPF वाला कॉम्पैक्ट पाउडर या उसका प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर है, DD क्रीम, CC क्रीम, BB क्रीम, वो आते हैं मेकअप के लिए, आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन रात का टाइम होता है तो हम लोग को फेस वॉश करना चाहिए। फेस वॉश के बाद टोनर लगाना ही चाहिए। टोनर के बाद आप जैसा दिन में स्टेप आप फॉलो करते हैं वैसे रात में भी करना चाहिए, बस सनस्क्रीन स्किप करना चाहिए, उसके जगह आपको नाइट क्रीम यूज़ करना चाहिए। अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं तो उसके जगह आप एंटी एजिंग क्रीम लगा सकते हैं। इन केस अगर आपकी एज 25+ है, फाइन लाइन और रिंकल्स की प्रॉब्लम है, तो आप एंटी एजिंग क्रीम लगा सकते हैं। अगर आपकी एज 20+ है तो भी आप लगा सकते हैं। एंटी एजिंग क्रीम लगाना कोई गलत नहीं है, अच्छी है एंटी एजिंग। फाइन लाइन और रिंकल्स की प्रॉब्लम आपको जल्दी नहीं होगी। देन यहाँ पे मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। हम लोग को वीक में कम से कम 2 बार अपना स्किन को एक्सप्लोइट करना चाहिए, स्क्रब यूज़ करना चाहिए। महीने में कम से कम 2 बार चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल मास्क यूज़ करना चाहिए। और हम लोग को नींद पूरा लेना चाहिए, 7 से 8 घंटे का नींद हम लोग को लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू।